कीड़ा फीड़ा कुछ नहीं आता है ना अपने। ये देखिए पेडी मशरूम क्या खेती के लिए स्ट्रो को जो सॉकिंग करने के लिए ऐसे एक गड्ढा खोल देते हैं और उसके ऊपर एक पन्नी लगाते हैं, पन्नी में पानी डाल देते हैं, एक फुट डेढ़ फुट का पानी हो जाता है, फिर उसके बाद वो स्ट्रो को ऐसे लाइन में उसमें प्लेस कर देते हैं और उसको ऊपर पैर में ऐसे कूद देते हैं, जो पैर में ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे तो उसमें आराम से वो सॉकिंग हो जाएगा। दो दो घंटे में एक एक बार तीन चार बार ऐसे आपका पैर में सॉकिंग कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये आराम से आपका पेडी मशरूम का खेती के लिए उसका सही नमी आ जाएगा, जितना पानी एब्जॉर्ब करना था पानी एब्जॉर्ब कर जाएगा। फिर उसके बाद फिर उसको बाहर निकाल के उसका जो सही मॉइस्चर लेवल जो आपको थंब रूल के हिसाब से पानी को थोड़ा और एक्सेस पानी को थोड़ा ड्रेन आउट करने के बाद ही फिर उसमें बेड लगाते हैं। बस ऐसे आपको पोर्टेबल टैंक बना सकते हैं, कोई भी आपका पेड़ के नीचे ऐसे ज़मीन के ऐसे बेड लगा रहे हैं, पेड़ के नीचे ऐसे खेती कर रहे हैं तो पेड़ का छाँव में काम कर रहे हैं, तो ये नज़दीक में आप लगा लिए इसका अपना टंकी पोर्टेबल टैंक लगा लिए, उसी टैंक से आपको सॉकिंग 8-10, 5-6 घंटा ऐसे पानी सॉकिंग कर लिए और 2-3 बार इसको पैर में ऐसे ऊपर नीचे पैर में कूद देते हैं, उसको टंपिंग करके ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये अपना सही मॉइस्चर लेवल जितना पानी मॉइस्चर नोस्ट्रो जितना एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब कर लेता है और आपका पेडी मशरूम का खेती के लिए सही हो जाता है। उसको थोड़ा सा फिर एक्सेस मॉइस्चर ड्रेन आउट करने के बाद उसे बेड लगाते हैं। ये आपको देखिए साइड से ऐसे लाइन लाइन करके पेड़ के नीचे बेड लगा है सब।